नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं स्टार 7 टीवी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। जनपद सुदबद ने पन्नूगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस को दी तहरीर में कहा है कि 20 नवंबर को उसकी पत्नी को सांप ने काट लिया था। चार फूक कराने गांव से बाहर गया हुआ था। घर के बाहर उसकी 3 वर्षीय पुत्री खेल रही थी। इस दौरान पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति गुलाब ने उसे अपने घर के अंदर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। मासूम बच्ची ने मासूमियत से अपने साथ हुई इस घटना को अपनी माँ को बताया। माँ ने घटना सुना तो पैरों तले जमीन खिसक गई। आरोपी को लगा कि घटना की जानकारी परिजनों को हो गई है तो आरोपी मौके से फरार हो गया। पीड़ित बच्ची की माँ ने बताया कि उसे सर्प ने डस लिया था, जिसके इलाज के लिए वो दूसरे गाँव गई थी। जब वह घर आई तो बच्ची के प्राइवेट पार्ट से खून आ रहा था, जिससे पूछने पर उसने बताया कि गुलाब अपने घर ले गया था। इसकी जानकारी होने के बाद बच्ची का इलाज रामगढ़ बाजार में कराया गया। बालिका का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। आरोपित गुलाब की उम्र करीब 60 वर्ष बताई जा रही है। बच्ची की मां को सांप ने काट लिया था। परिजन झाड़ फूक के लिए बाहर ले गए थे। स्टार 7 टीवी न्यूज की कवरेज, शिव नरेश की रिपोर्ट। गलत काम भर हमारे बच्ची के अकेले बा गुलाब तो का उस समय बच्ची अकेले रहल घर पे। हाँ, कैसे बताओ, पूरा बात बताओ। हमके सांप काट दिले रहल, सब कोई झरवावे गेल बा हम। बच्ची हर अकेले खेलत रह, अपने घर में ले जाके उठाई के गलत काम कैले बा। तो बच्ची आप आइला तो बच्ची के कौने हालत में देखला? बच्ची के देह से हमरे ब्लेड आवत रह। हाँ, तो का बच्ची कुछ बोलले? हाँ, बताइले। का कहे? कहे जे ऊ लेगा ना अपने घर में हम। हाँ, पूरी बात बतेले? हाँ। तो फिर कहाँ गेला वहाँ से? कहे नहीं गेली, दवाई करावे गेली। हाँ, तो थाने पे कहने गेला? थाने पे आज गेली, कल नहीं गेली। कई दिन पहले गई घटना? हाँ, परसों दिन आ गई। तो आज गेला थाने पे? तो 3 दिन से इलाज करावत रहला? हाँ, काल इलाज करावे वाली। आरोपी बीच में 2 दिन से आरोपी फरार रहा कि रहल घर में? नहीं, घर में ही रहना, मगर घरे नहीं रहता ना। तो का कहा है, धमकाओ हमको? कुछ नहीं बोला था ना। हाँ, तो पहले से कोई दुश्मनी वगैरह? नहीं, कुछ दुश्मनी नहीं उनसे। पुलिस उनके पकड़ ले ले? पुलिस? हाँ, पकड़ ले। इलाज कहाँ कराए थे आप? रामगढ़। सरकारी में कि प्राइवेट में? प्राइवेट में। मासूम के साथ जिस दरिंदगी के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आ रहा है, तो क्या है पूरा मामला सर? थाना पन्नूगंज अंतर्गत जो है, 1-3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें पीड़िता को चिकित्सीय परीक्षण हेतु महिला चिकित्सालय भेज दिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया जो है, और जो है अश्वविधि कार्रवाई की जा रही है। तो क्या कैसे पीड़िता से दुष्कर्म का मामला सामने आ रहा है, कि वो कैसे आरोपी कहाँ ले गया था? पीड़िता जो है अपने घर के सामने खेल रही थी जो है, और उसकी माँ को सांप काट लिया था, झाड़ फूक काटने बगल में गई हुई थी जो है। पीड़िता को अकेले पकड़ के जो अधेड़ व्यक्ति था जो है, उसको बल्ला फुसला करके अपने घर में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। तो बच्ची ने क्या बताया? बच्ची के परिजनों ने भी घटना की पुष्टि की है जो है, और जो है आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और उससे कार्रवाई की जा रही है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल स्टार 7 टीवी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।